Oh well, hello guys स्वागत है हमारे चैनल में इसका नाम द बी स्पोर्ट्स आज हम बात करेंगे फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से रिलेटेड कुछ न्यूज तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के तो तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है है वो ईस्ट ईस्ट बंगाल बंगाल की तरफ से ने अपना कोच ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एंड ईस्ट बंगाल के जो नए कोच है वो है रॉबी फोलर तो जी हाँ रॉबी फोलर ही है ईस्ट बंगाल के कोच एंड रॉबी फोलर ने दो साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ईस्ट बंगाल के साथ तो अभी नेक्स्ट दो सीजन ईस्ट बंगाल में रॉबी फोलर ही रहेंगे ऐसा कोच एंड ये मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया चीज है क्योंकि रॉबी फोलर एक लिवरपुल के लेजेंड प्लेयर भी रह चुके एंड उन्होंने ब्रिस्बन रोअर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया था ब्रिजबन डोअर एक्चुअली ए लीग में एक लास्ट टीम था आ, वहां से ब्रिजबेन रोअर को फोर्थ पोजीशन में भी लाया है रॉबी फोलर डेफिनेटली रॉबी फोलर ईस्ट बंगाल में आए एंड ईस्ट बंगाल के लिए बहुत ही बड़ा बात है कि रॉबी फोलर जैसे लेजेंडरी प्लेयर ईस्ट बंगाल में एज कोच आए सो देखते इस साल रॉबी फोलर के अंडर ईस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस कैसा रहता है सो नेक्स्ट आ है केरला ब्ला की के तरफ से तो केरला ब्ला ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया कुस्ता नाउ महीने के अंडिया ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया केरला ब्लास्टरसी ने एंड नाउमोनेसु जो कि थर्टी फोर ओल्ड काफी बढ़िया सेंट्रल बैक पोजिशन का संदेश झिंगन का एक प्रॉपर रिप्लेसमेंट में बोलूंगा कुस्ता नाउमोइनेसू एंड uh, क्योंकि इंडियन सर्किट में संदेश झिंगन का रिप्लेसमेंट शायद ही कोई है एंड डेफिनेटली ये काफी बढ़िया साइनिंग केरला के तरफ से एंड देखना पड़ेगा कि इस साल कुस्ता नाउमोइनेसु का परफॉर्मेंस केरला भाषा का ओके okay, कैसा रहता है सो so, नेक्स्ट आ रहा है वो है उड़ीसा सी की तरफ से तो उड़ीसा एफ सी ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया कोल एलेक्सेंडर का तो कोल एलेक्जांडर जो कि एक थर्टी वन ओल्ड मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है सेंट्रल मिडफील्ड पोजीशन में खेलते हैं एक्चुअली वो एंड उन्होंने दो साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उड़ीसा सी के साथ एंड मैं बोलूंगा काफी बढ़िया साइनिंग है उड़ीसा सी की तरफ से क्योंकि कोल एलेक्सेंडर एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है एंड उन्होंने मेनली साउथ अफ्रीका में ही खेला है एंड वहां का होके उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया था एंड वो एक्चुअली डिफेंस और अटैक दोनों में ही बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तो एक कंप्लीट मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है कोल अलेक्जेंडर एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कोल अलेक्जेंडर इस साल एंड उनको कितना मौका मिलता है वो भी एक देखने लायक होगा एज अ भी वो आ सकते हैं मेन इलेवन में भी आ सकते हैं अब ये तो डिपेंड करता है कोच के ऊपर तो बिड वेस्ट विट्स एफ था उनका लास्ट क्लब एंड वहां का होकर उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था सो डेफिनेटली साइनिंग तो काफी बढ़िया है देखना पड़ेगा कि कोल अलेक्जेंडर का परफॉर्मेंस उड़ीसा सिखाओ के कैसे रहता है, तो है जब से तो की तरफ से तो जमसदी तो ने साइनिंग कंप्लीट कर लिया है कोनर पेन का ऐसे कुछ रिपोर्ट्स बोल रहे ऑफिशियली वैसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है नेक्स्ट 48 एट आवर्स के अंदर कोई ना कोई एक अनाउंसमेंट हो जाएगा एंड कॉनर पेन जो कि लेफ्ट विंग पोजिशन के प्लेयर है उनका एज ट्वेंटी सिक्स वो एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है एंड उनका रिसेंट परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है एंड अगर इनका साइनिंग कंप्लीट होता है तो जब्सू जब से के लिए एक एशियन कोटा का भी प्लेयर मिल जाएगा एंड काफी बढ़िया प्लेयर मिल जाएगा क्योंकि कॉनर पेन का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है एंड उनका लास्ट क्लब था वेस्टर्न यूनाइटेड उन्होंने सेंट्रल कोस्ट का होकर भी खेला है एंड उन्होंने मेलबर्न में भी खेला है सो so डेफिनेटली काफी ज्यादा ही टैलेंटेड प्लेयर है कॉनर पेन एंड अगर इनका साइनिंग कंप्लीट हुआ है तो देखने लायक होगा इस साल कॉनर पेन का परफॉर्मेंस

ऐसा रहता है सर एक्चुअली ज़्यादा अगर एफ सी गोवा की तरफ से तो एफसी गोवा के सारे फॉरेन प्लेयर्स एंड कोच एंड कोचिंग स्टाफ सब आ चुके हैं गोवा में आज ही सुबह आए एंड अभी वो क्वारेंटीन में रहेंगे चौदह दिन या फिर अट्ठाईस दिन मुझे लगता 28 दिन है अट्ठाईस दिन ही रहेंगे क्योंकि फॉरन में वैसा ही कुछ रूल है एंड अट्ठाईस दिन तक तो अभी उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा उसके बाद ही वो ग्राउंड में आ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए बट हाँ वो आ चुके यही अच्छा बात है क्योंकि जितना वो लेट से आएंगे उतना उनको ज़्यादा टाइम लगेगा आ, ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तो इसी वजह से मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा चीज़ है एंड ऑलमोस्ट सारे कोचेज ही आ जाएंगे आज सारे कोचेज आ चुके हैं सिर्फ उड़ीसा एफ सी एंड चेन्नई एन एफ सी को छोड़ के आ, क्योंकि उनके कोचेज को वीजा नहीं मिला है स्टोवर्ड वैक्सटर को अभी भी वीजा नहीं मिला है एंड ईस्ट बंगाल के कोच रॉबी फोलर को आने में एक हफ्ता और लगेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी भी बट डेफिनेटली धीरे धीरे सारे कोचेज आ चुके हैं एंड uh, देखते अभी प्री सीजन भी शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी बहुत सारे टीम्स का बहुत सारे टीम्स का ऑलरेडी शुरू हो चुका है बहुत सारी टीम्स का शुरू होना अभी भी बाकी है सो so, देखते हैं कि इस साल फ सी गोवा का परफॉर्मेंस कैसा रहता है सो नेक्स्ट न्यूज आ यूर अब ईस्ट बंगाल की तरफ से तो एंड्रू सुरमन इस साल ईस्ट बंगाल में नहीं, नहीं आ रहे क्योंकि कोविड सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है एंड वो अभी इंग्लैंड में ही रहना चाहते हैं इस साल अब देखते हैं फ्यूचर में वो ईस्ट बंगाल में आते हैं नहीं बट हाँ ये मैं कंफर्म कर देता तो हूँ की एंड्रय सुरमन इस साल ईस्ट बंगाल में नहीं आएंगे सो नेक्स्ट है वो इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल में आज यूएफर नेशंस लीग तो यूएफआर नेशंस लीग में आज साढ़े नौ बजे मैच है बेल्जियम वर्सेस इंग्लैंड काफी बढ़िया मैच होने वाला है दोनों ही टीम का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है है, बट मुझे कहीं कही ना कहीं लगता है कि बेल्जियम का जो परफॉर्मेंस है वो इंग्लैंड से ज्यादा अच्छा है एंड बेल्जियम uh, अपने ग्रुप में, में, में so ये मैच काफी है दोनों ही टीम के लिए बट मुझे टू वन से, से जीत जाएगी एंड आज का दूसरा बड़ा मैच है वो है पोर्टुगल वर्सेस फ्रांस ये मैच रात के बारह बज के पंद्रह मिनट में एंड पोर्तुगल और फ्रांस दोनों का ही रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड इक्वल पोजीशन में है दोनों ही टीम्स एंड दोनों ही टीम्स के पास छह छह पॉइंट्स है पोर्तुगल नंबर वन पोजीशन में अपने ग्रुप में एंड फ्रांस नंबर टू पोजीशन में है तो डेफिनेटली देखने लायक हो कि ये मैच कौन जीतता है मुझे लगता है कि पोर्तुगल शायद ये मैच वन जीरो से जीत जाए या फिर टू जीरो से भी जीत सकते हैं uh, फ्रांस का जीतने का चांस मुझे थोड़ा सा कम लगता है अब मेरे ये पर्सनल ओपिनियन से आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना सर इशू ज्यादा आईपीएल को लेकर सो आईपीएल में कल मैच था के वर्सेस किंग इलेवन पंजाब एंड काफी बढ़िया मैच एंड किंग्स इलेवन पंजाब इस मैच को एक ऐसे पोजिशन से हार गए जिस पोजिशन से नहीं हारना चाहिए था अठारह बॉल में बाईस रन चाहिए था किंग्स इलेवन पंजाब के पास नौ विकेट्स था केल राहुल एक सेट बैट्समैन बट वहां से किंग्स इलेवन पंजाब ये मैच हार गए अगर हम लोग बात करें केके आर के बॉलिंग में तो केके के बॉलिंग में कमलेश नागरकुट्टी को छोड़ के सब ने काफी बढ़िया बॉलिंग किया है एंड किंग्स इलेवन पंजाब के अगर हम लोग बैटिंग का बात करें तो मयंक अग्रवाल एंड के राहुल ने काफी बढ़िया बैटिंग किया बट वही uh, जो मेन प्रॉब्लम है किंग्स इलेवन पंजाब क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई भी बैट्समैन ही नहीं है एंड जिसकी वजह से कोई रन ही नहीं बना पाया but, 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 मतलब अठारह बॉल में बाईस रन चाहिए था दो रन से हारे बट फिर भी मिडिल uh, ऑर्डर एक होना बहुत जरूरी होता है किसी भी टीम के लिए एंड वो किंग्स इलेवन पंजाब में बहुत ही ज्यादा मिसिंग है एंड अगर हम लोग केकेआर का बैटिंग का बात करें तो सुमन गिल एंड दिनेश कार्तिक ने काफी बढ़िया इनिंग्स खेला है एंड दिनेश कार्तिक ने तो बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेला है एंड दिनेश कार्तिक को एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी मिल गया कल के इनिंग्स के बाद एंड अगर हम लोग किंग्स इलेवन पंजाब के बॉलिंग का बात करें तो किंग्स इलेवन पंजाब के बॉलिंग साइड से रवि बिश्नोई ने काफी बढ़िया बॉलिंग किया है मोहम्मद शामी ने भी काफी अच्छा बॉलिंग किया है एंड अर्शदीप सिंह ने भी काफी बढ़िया बॉलिंग किया है

कोहली ने एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेला है, है। विराट कोहली ने एक मतलब तो कमाल का इनिंग्स खेल दिया है एंड सीएसके का बॉलिंग की अगर हम लोग बात करें दीपक चाहर ने काफी बढ़िया बॉलिंग किया है एंड अगर हम लोग सी एस के का बैटिंग का बात करें तो किसी ने भी उतना अच्छा बैटिंग किया नहीं है मतलब राइडू ने 40 बॉल खेल के 42 टू रन बनाए थे बट उतना अच्छा बैटिंग था नहीं एंड आर सी बी का बॉलिंग का बात करें तो ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स ने अच्छा खासा बॉलिंग किया एंड तो मैच काफी बढ़िया था एनआरसी बी डेफिनेटली काफी ईजिली वो मैच जीत गए सो आज का जो पहला मैच है वह सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेज राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीम से एवरेज टीम है इस साल उनका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं एंड राजस्थान रॉयल्स को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड ये मैच जीतना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान रॉयल्स के लिए एंड सनराइज हैदराबाद एक अच्छा टीम है मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स एक तो अच्छा ही टीम है सो so, मुझे लगता है ये मैच सनराइजर्स हैदराबाद जीतेंगी एंड दूसरा जो मैच है आज का वो मुंबई इंडियंस वैसे दिल्ली कैपिटल्स कमाल का मैच होने वाला है मतलब देख के पता चलता है दिल्ली कैपिटल्स नंबर वन पोजिशन में मुंबई इंडियंस नंबर टू पोजिशन में एंड दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है बट मुझे लगता है कहीं कही ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स ये मैच में थोड़ा सा पीछे है मुंबई इंडियंस से बट डेफिनेटली ये मैच बहुत ज्यादा कांटे का होने वाला है तो so इसको ज्यादा कुछ प्रेडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो so मुझे लगता है ये मैच मुंबई इंडियंस जीतेगी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है आपको क्या लगता है, है कमेंट करके बताना सो so बस गाइस आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा एंड कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय